Dear students, assalamu alaikum. Hope you are fine and enjoying good health. The lesson, the farewell sermon, has come to an end. Today, we are going to discuss the questions given at the end of the exercise. They are very important from examination point of view and for different attempts at the paper. So, if you have a notebook and try to write down these answers given to the questions, I will discuss them in detail. They will be helpful for you when you are going to revise the lesson, when you are going to do your preparation for the examination. So, get ready if you have a notebook. Try to write the answers, and then you will share these answers, an image of these answers, tomorrow when the period is over. The first question of this lesson is where did the Holy Prophet deliver his last sermon? अगर पहले लेक्चर को आप रिवाइज करें तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप राइट डाउन कर सकते हैं. तो व्हेन एंड वेयर, दीज आर द इम्पोर्टेंट वर्ड्स. द लास्ट सर्मन वाज डिलीवर बाय आवर होली प्रॉफिट्स. इट वेरी इजी. द होली प्रॉफिट डिलीवर्ड आप लिखेंगे. देखें, क्वेश्चन जो है वो पास्ट टेंस में है. यहाँ पर क्या यूज हुआ है? यहाँ पर वेयर डेट, डेट यूज हुआ है. डज यूज नहीं हुआ, वेल यूज नहीं हुआ. तो आप आंसर में क्या करेंगे? द होली प्रॉफिट डिलीवर्ड या मेड. आप कोशिश करें कि जो गेव वाला वर्ड है उसको अवॉइड करें, क्योंकि ये एक जनरल मिस्टेक है. जब हम कहते हैं ही गेव अ स्पीच, ही गेव अ स्पीच इज अ रॉन्ग सेंटेंस. आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ही मेड अ स्पीच, ही डिलीवर्ड अ स्पीच. He delivered the sermon या he delivered the speech. इस तरह के अल्फाज यूज ना करें जो अथेंटिक ना हो किसी सिचुएशन के लिए, कॉन्टेक्स्ट के लिए. किसी भी लैंग्वेज की कमांड को इसी से देखा जाता है कि आप सही मौके के लिए सही लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं. सो गेव का वर्ड जो है उसको आप अवॉइड करेंगे, मेड और डिलीवर यूज़ करेंगे. When and where the Holy Prophet delivered his last sermon? He delivered the last sermon on the 9th day of Zulhijjah. So the last sermon was delivered on the 9th day of Zulhijjah, 9th day. Us waqt bhi maine aapko bataya tha ke keep it in mind. It was 10th AH. 10th AH Hijri mein likhte hain aur 632 CE. ए डी भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था, सी ई इज इक्वल टू ए डी. दोनों का एक ही मतलब है, क्रिश्चियन एरा या एनो डोमिनी. और कहां पर दिया था? वेयर? इन द उराना वैली. इन द उराना वैली. और ये उराना वैली कहां पर है? इट इज इन द उराना वैली ऑफ माउंट अरफात, जो कि कहां पर है? इन मक्का. तो आप पूरी सेंटेंस इस तरह से लिखेंगे. The Holy Prophet delivered his last sermon on the 9th day of Zulhijjah, 10th AH, 632 को आप ब्रैकेट में बंद करेंगे, पेरेंथेसिस में बंद करेंगे, in the Urana Valley of Mount Arafat in Mecca. At the end of his आप आगे लिखेंगे, at the end of his first and last pilgrimage to Mecca. This was his last in first pilgrimage to Mecca. He led the pilgrims through the valley of. ये आप question को इस तरह से set करेंगे कि चार number के लिए वो ready हो जाए. आप short, ज़्यादा short बनाने की कोशिश करेंगे तो भी अच्छा नहीं है. उसका एक impression ये जाएगा कि बस दो तीन sentences आपने लिखे या कि इसको कुछ याद नहीं है, इसने कोई reading नहीं की या इसके पास इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. सो आप क्या करेंगे? इस तरह से कुछ सेंटेंसेस ऐड करेंगे. ही लेड द पिलग्रिम्स
from Mecca through the valley of Mena and up to the mountain of Arafat, and then stopped them there in the valley of Urana. There he addressed a crowd of 1,20,000 pilgrims. तो यहाँ तक इसका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा. और क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आते हैं. होम डेट द होली प्रॉफिट आस्क टू रिपीट द सर्मन सेंटेंस बाय सेंटेंस आफ्टर हिम एंड वाई. देखें फिर यहाँ पर होम एंड वाई किसको कहा और क्यों कहा कि इसको रिपीट करें मेरे बाद. तो आंसर एक बार फिर अगर आप उस लेक्चर को देखें रिवाइज करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी वजह क्या थी. बिकॉज इट वॉज़ अ वेरी लार्ज क्राउड इट वॉज़ नॉट पॉसिबल फॉर द होली प्रॉफिट टू मेक द साउंड ऑडिबल टू एवरी वन स्टैंडिंग देयर. सो विद अ क्राउड ऑफ ओवर 1,20,000 पिलग्रिम्स. उसके बाद आप कॉमा डालें. द वॉइस ऑफ द होली प्रॉफिट कुड नॉट बी heard by all those who were present there. फिर रिपीट करता हूँ. विद अ क्राउड ऑफ 1,20,000 पिलग्रिम्स द वॉइस ऑफ द होली प्रॉफिट कुड नॉट बी हेयर्ड बाई ऑल दोज हु वर स्टैंडिंग देयर या हु वर प्रेजेंट देयर. देयर फोर ही आस्क्ड ये वाला वर्ड ही आस्क्ड उसके बाद रब्बा इब्ने उमैया इब्ने हलफ हु वाज नोन टू हैव अ लाउड वॉइस टू रिपीट द सर्मन आफ्टर हिम सेंटेंस बाय सेंटेंस सो दैट एवरीवन कुड हियर हिज मैसेज. सो दिस इज द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है. स्टेट इन योर ओन वर्ड्स अपने अल्फाज में बयान करें. What did the Holy Prophet say about the sanctity of the life and property of Muslim brethren? इसको जिस तरह हम ये brothers की जमा है brethren ये brother की plural form है. आप इसको ये आप brother भी कह सक brother की plural जो है वो brothers भी है और brother की plural जो है वो brethren भी है जिस तरह southern. तो प्रोनाउंसिएशन की अगर हम देखें कि इसको कैसे प्रोनाउंस करें तो साउथरन इसी तरह ब्रेथरन. तो ब्रदर्स जो है वो भी जमा है ब्रदर की और ब्रेथरन भी जमा है. सेंक्टिटी वाला वर्ड यहाँ पर वो किसके लिए इसका जो सिनोनिम है वो क्या है. पायटी पायसनेस मुकद्दस जो हमने पढ़ा था वहाँ पर कि आप के जो मुसलमान भाई है उनकी लाइफ और उनकी प्रॉपर्टी जो है वो आपके लिए क्या है काबिले एहतराम है मुकद्दस है वो पायस है वो उसकी पायटी का आपने ख्याल रखना है. सो स्टेट इन योर ओन वर्ड्स अपने अल्फाज में बयान करें अबाउट द सेंक्टिटी ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियर है. तो यहाँ पर इसको भी क्लेरिफाई करते हैं. टॉकिंग अबाउट द सेंक्टिटी ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम ब्रेथरन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ मुस्लिम इज अ सेक्रेट सेक्रेट इज इक्वल टू सेंक्टिटी फॉर अनदर मुस्लिम एज द मंथ ऑफ जुलहिज्जा द डे ऑफ अरफात एंड द सिटी ऑफ मक्का. बिल्कुल इन चीज़ों की तरह ये भी तुम्हारे लिए मुकद्दस अमानत है. ही एडवाइज देम टू रिटर्न द इंट्रस्टेड गुड्स गुड्स टू देयर राइटफुल ओनर्स एंड फॉरबेड देम. फॉरबेड की स्पेलिंग यहां पर क्या लिखेंगे. FORBADE सेकेंड फॉर्म है. क्वेश्चन जो है वो कौन से टेंस में है इसलिए यहां पर पास्ट इनडेफिनेट टेंस यूज हो रहा है. क्वेश्चन जो है वो अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर थ्री को तो वो भी पास्ट टेंस में है. तो आपका आंसर भी पास्ट टेंस में होना चाहिए. ही एडवाइज देम टू रिटर्न द इंट्रस्टेड गुड्स टू देयर राइटफुल ओनर्स एंड फॉरबेड देम टू हर्ट एनीवन. मना किया कि किसी को नुकसान ना पहुंचाए सो दैट नो वन मे हर्ट यू ताकि तुम्हें भी कोई नुकसान ना पहुंचाए. तो ये है क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर. तो यहां पर
क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर फोर में आप देखें, व्हाट डिड द होली प्रॉफिट इंस्ट्रक्ट द पीपल विद रिगार्ड टू देयर वुमेन। ये क्वेश्चन भी पूरा एक पैराग्राफ जो है वहां पर हमने इसको पढ़ा था, और इस पैराग्राफ में आप लोगों ने देखा कि हाउ टू ट्रीट द वुमेन, दो बार वहां पर रिपीट भी हुआ था ये। इसको आंसर लिखने की कोशिश करें, व्हाट डिड द होली प्रॉफिट इंस्ट्रक्ट द पीपल, क्या हिदायत थी लोगों को विद रिगार्ड टू देयर वुमेन, इनकी जो बेबियां हैं उनके साथ सलूक के लिहाज से क्या हिदायत दी। द होली प्रॉफिट, आंसर लिखें, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्ट्रक्टेड हिज फॉलोअर्स, फॉलोअर्स कौन है, मुस्लिम्स है, इंस्ट्रक्टेड हिज फॉलोअर्स दैट बोथ मैन एंड वुमेन हैव राइट्स ओवर ईच अदर, यानी यू हैव राइट्स ओवर ईच अदर। ही टोल्ड देम टू रिमेंबर दैट दे हैड टेकन देयर वुमेन एज देयर वाइव्स Only under Allah's, Allah's के साथ apostrophe का इस्तेमाल करेंगे, एज के बाद कॉमा और फिर एस लगाएंगे, एंड विद हिज परमिशन। हैज जो है यहाँ पर अल्लाह की तरफ इशारा है, तो हैज जो है इसका एच कैपिटल होगा, विद हिज परमिशन, अल्लाह की इजाजत से। पहले लेक्चर में ये, दूसरे लेक्चर में हमने ये बात डिटेल से बयान की थी। ही फर्दर सेड, फर्दर की स्पेलिंग जो है वो गलती ना करें, इफ यू आर, इफ ए आर नहीं है, इफ यू आर, ही फर्दर सेड दैट द वुमेन डिजर्व टू बी फेड एंड क्लोथ्ड इन काइंडनेस, मेहरबानी के साथ, जिस तरह के मैंने बताया था, इनको खाने के लिए और पहनने के लिए जो सामान है वो मुहैया किया जाए, इन काइंडनेस, मेहरबानी के साथ, फर्क दिली के साथ। इफ दे अबाइड बाय द राइट्स ऑफ देयर मेन, अबाइड बाय, पाबंदी करती है वो, तो इनको ये चीजें फर्क दिली के साथ मुहैया की जाए। ही ऑल्सो एडवाइज देम टू ट्रीट देयर वोमेन वेल एंड बी काइंड टू देम बिकॉज दे आर द पार्टनर्स एंड कमिटेड हेल्पर्स ऑफ देयर मेन। तो इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होना चाहिए ताकि आप एक गुड इम्प्रेशन दे सकें, और उसके बाद उसके सेंटेंसेस जो है वो ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, 50 to 60 वर्ड्स बनाने की कोशिश करें, और तकरीबन 7-6 लाइनें जो है वो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती आपसे इम्कान होता है कि कोई गलती हो जाए, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स ये मैटर करती है, और इनकी वजह से आपके मार्क्स जो है वो रिड्यूस भी होते हैं, कम भी होते हैं। तो टू द पॉइंट चीज़ इस तरह से लिखें जो श्योर है आपको कि आप जो लिख रहे हैं वो ठीक लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ आते हैं, व्हाट डिड द होली प्रॉफिट, व्हाट डिड द होली प्रॉफिट से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट द सुपीरियरिटी ऑफ वन इंडिविजुअल ओवर अनदर, व्हाट इट डिपेंड्स अपॉन। हर एक क्वेश्चन के तकरीबन दो, देर आर टू क्वेश्चन विद इन वन क्वेश्चन, दो पहलू है, क्या कहा सुपीरियरिटी से रिलेटेड, और ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो एक बार फिर अगर आप देखें यहाँ पर, आप सल्लम ने क्या कहा, वेरी क्लियर, अगर आप उस लेक्चर को रिवाइज करें तो आंसर को सुने, टॉकिंग अबाउट दी सुपीरियरिटी ऑफ वन इंडिविजुअल ओवर अनदर, आप सल्लम ने किस चीज़ पर एम्फेसाइज किया, एक ही चीज़, piety and good character. So talking about the superiority of one individual over another, the Holy Prophet clearly mentioned that all mankind is from Adam and Eve. So an Arab has no superiority over a non-Arab, nor a non-Arab has any superiority over an Arab. Aur aage kya kaha, also a white has no superiority over a black, nor does black have any superiority over a white. और फिर जो दूसरा हिस्सा है क्वेश्चन का, उसका जवाब आता है, except by piety and good action, good character. It means that only those are superior who are pious and do good deeds. Only those people are superior who are pious and they are doing गुड डीड्स। तो यहां पर अगर
इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, श्योरली यू विल गेट गुड क्रेडिट फॉर इट। क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ आते हैं, व्हाट डिड ही से अबाउट खत्मे नबुवत। वो बिल्कुल क्लियर है, लास्ट जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ लेक्चर का अगर आप देखें तो वहाँ पर आप सल्लम ने सेड अबाउट खत्मे नबुवत इन वेरी क्लियर वर्ड्स, कोई एम्बिग्विटी नहीं है उसमें। तो आप यहाँ से भी इसको नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर सिक्स को, द होली प्रॉफिट सेड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लिखें छोटी ब्रेक होली प्रॉफिट के साथ छोटी ब्रैकेट में हमेशा SAW लिखें। आप डॉट भी डाल सकते हैं, आप डॉट के बगैर भी, यानी एस के बाद डॉट ए डॉट डब्ल्यू बगैर भी लिख सकते हैं, ऑप्शनल है। सेड नो प्रॉफिट आर, उसको उसी तरह आप कॉमा इन्वर्टेड कामा में भी बंद करेंगे जिस तरह आप लोगों ने वहां पर देखा कॉमा इन्वर्टेड कामा में बंद है। सो नो प्रॉफिट आर अपोस्टल शेल कम आफ्टर मी, प्रॉफिट आर अपोस्टल दे हैव द सेम मीनिंग, कोई रसूल या पैगंबर या नबी जो है मेरे बाद नहीं आएगा। एंड नो न्यू फेथ शेल बी बोर्न, कोई नया कीदा पैदा नहीं होगा, सामने नहीं आएगा। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू लीव बिहाइंड हेम टू थिंग्स, दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, द होली कुरान, द होली कुरान के साथ दी इसका इस्तेमाल करें, दी या दा का इस्तेमाल करें, एंड हिज एग्जाम्पल, द होली कुरान एंड हिज एग्जाम्पल। और वो एग्जाम्पल क्या है, उसी तरह जिस तरह वहां पर लेक्चर में तुमने नोट किया है, द सुन्ना, दीज विल नेवर लेट अस गो एस्ट्रे। आप सल्लम ने जो कुछ कहा उसके बारे में अगर हम एक सेंटेंस में समराइज करें, अगर हम इन चीज़ों पर अमल करते हैं, वी विल नेवर गो अस्ट्रे इफ वी फॉलो देम एंड ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, लेटर LETER, LA वाला नहीं, LETER, अगर हम सही जज्बे से लेटर एंड स्पिरिट, ये idiom है, idiom भी तुमने तैयार करने हैं क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ यूर पेपर, इनकी भी तैयारी होगी साथ साथ। सो इफ वी फॉलो देम एंड ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, वी विल नेवर गो astray फ्रॉम द राइट पाथ और फ्रॉम righteousness। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ अगर हम आ जाएं, तो क्वेश्चन नंबर सेवन जो है वो भी बाकी क्वेश्चंस की तरह इज वेरी सिंपल। व्हाट डिड द होली प्रॉफिट, हर एक क्वेश्चन जो है जाहिर बात है कि वो कहाँ से लिया गया है उसको, जो आप लोगों ने लेसन पढ़ा, लेसन के बाद जो क्वेश्चंस है उसी लेसन से उठाए जाते हैं। What did the Holy Prophet ask the people towards the end of his sermon? What did he ask? क्या पूछा था, क्या कहा था? ये जब खुतबा ख़त्म हुआ, sermon जब ख़त्म हुआ, तो हुजूर सल्लम ने क्या कहा? आप लोगों ने देखा वहाँ पर कि हुजूर सल्लम ने क्या कहा, आसमान की तरफ देखा और कहा कि मैं अपना जो मेरा काम था वो मैं कर चुका हूँ, मैसेज को डिलीवर कर चुका हूँ, बाकी अल्लाह जो है वो इन लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक दे। सो क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट डिड द होली प्रॉफिट आस्क द पीपल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सर्मन, आंसर सुने, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज सर्मन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे उसी तरह क्योंकि ये कोटेड वर्ड्स है, इसी तरह कोट करेंगे, ओ पीपल आई हैव, पहले उनसे पूछा कि क्या मैंने जो अल्लाह का पैगाम है वो तुम लोगों तक पहुंचा दिया है, लोगों ने कहा यस, तो फिर अल्लाह आसमान की तरफ देखा और कहा कि तू गवाह रहे, मैंने जो मेरे जिम्मे था वो काम मैं कर चुका हूँ। So, O people, have I faithfully delivered on to you my message? ये आप सल्लम ने पूछा उन लोगों से, have I faithfully delivered on to you my message? तो वहां से एक आवाज जो आती है कन्फर्मेशन की, तो हम कह सकते हैं a loud whisper,
विस्पर ऑफ ऑफ कन्फर्मेशन, लोग जो है वो वेस्परिंग करने लगे कि हाँ यकीनन आपके जिम्मे जो काम था आपने अंजाम दे दिया है। लाउड विस्पर ऑफ कन्फर्मेशन, ओ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, यस अराउज फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स, ये आवाज़ वहाँ से बुलंद हुई, अराउज फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड द वाइब्रेंट वर्ड्स, वाइब्रेंट वर्ड्स रोड लाइक थंडर थ्रू आउट द वैली। वाइब्रेंट वर्ड्स, वर्ड्स क्या थे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये काम आपने अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया है। देन द होली प्रॉफिट रेज्ड हिज फिंगर एंड सेड, रेज्ड हिज फिंगर एंड सेड, उसके बाद फिर ये कोटेड वर्ड्स है, ओ अल्लाह बी विटनेस, ओ अल्लाह बी विटनेस दैट आई हैव कन्वेड योर मैसेज टू योर पीपल। ये बिल्कुल इस लेसन का, इस सर्मन का जो लास्ट सेंटेंस है वो ये वाला है कि ओ पीपल बी ओ अल्लाह बी विटनेस दैट आई हैव कन्वेड योर मैसेज टू योर पीपल। अगर आप साथ साथ नोट कर रहे हैं तो आपके लिए इस चीज़ को तैयार करना आई थिंक विल बी ईजी इन द फ्यूचर। तो इसी आगे ले चलते हैं, इसके कुछ और भी रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्सेस रिसाइटेड बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वन ट्रेडिशन हैज एट दैट अबू बकर सदीक क्राइड व्हेन ही हियर्ड दीज वर्सेस, व्हाई एंड व्हाई डिड द होली प्रॉफिट से दीज, द होली प्रॉफिट से दैट ही मे नॉट बी अमंगस्ट हिज पीपल दैट ईयर। यानी कि एक रिवायत, ट्रेडिशन रिवायत ये भी है कि अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ने जब ये वर्सेस, इन वर्सेस के बारे में सुना तो वो इंतहाई गुस्से हो गए, अबू बकर क्राइड गुस्से हो गए, वो परेशान हो गए, गुस्से नहीं परेशान हो गए, रोने लगे जब इन के बारे में हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ने सुना कि आप सल्लम ने इस तरह की बात की है। तो इसके बारे में भी सुन ले आंसर, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्सेस रिसाइटेड बाय द होली प्रॉफिट, सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस ऑफ वर्सेस, जो आयात आप सल्लम ने तिलावत की उसकी क्या अहमियत है। एक ट्रेडिशन के मुताबिक, वन ट्रेडिशन हैज एट दैट अबू बकर सदीक क्राइड व्हेन ही हियर्ड दीज वर्सेस, जब इन आयात के बारे में सुना तो वो रोने लगे, क्यों ऐसा करने लगे, व्हाई डिड द होली प्रॉफिट, सो देयर आर थ्री क्वेश्चंस विद इन वन क्वेश्चन, होली प्रॉफिट से दैट ही मे नॉट बी अमंगस्ट हिज पीपल द ईयर आफ्टर। ये इसका जवाब मैं आपको बता चुका था उसी लेक्चर में कि ही had come to know that his days are numbered, तो इसलिए आप सल्लम जो है अपने फॉलोवर से कहने लगे कि मेरे वफात होने के बाद इन दो चीज़ों पर अमल करो तो कभी नाकाम नहीं होंगे। तो इसके आंसर को सुने, द वर्सेज रिसाइटेड बाई द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्क द एंड ऑफ द रिविलेशन ऑफ अल्लाह ऑलमाइटीज, अलमाइटीज के बाद अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे, मैसेज, आप सल्लम ने जब ये वर्सेस रिसाइट की तो इसका एक मतलब जो है वो क्लियर है कि इसके बाद रिवेलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, कोई रिवेलेशन, कोई वही जो है वो नाजिल नहीं होगी। सो ये इम्पोर्टेंस है इसकी, द वर्सेज रिसाइटेड बाई द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम mark the end of revelation, mark the end of revelation of Allah Almighty's message, कि इसके बाद कोई मैसेज अल्लाह की तरफ से नहीं आएगा लोगों की तरफ। अबू बकर सदीक रदी अल्लाह के बारे में सुने, he cried, अबू बकर सदीक रदी अल्लाह
आर ए लिखें छोटी ब्रैकेट में, जिस तरह एस ए डब्ल्यू लिखते हैं छोटी ब्रैकेट में, क्राइड बिकॉज ही हैड रेड बिटवीन द लाइन्स दैट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड सून बी लीविंग दिस वर्ल्ड आफ्टर एकम्प्लिशिंग हिज मैसेज. एकम्प्लिशिंग मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मैसेज, आफ्टर डिलीवरिंग अल्लाह ऑलमाइटीज मैसेज टू ह्यूमैनिटी. वो ये बात जान चुके थे. यहाँ पर जो मैंने कहा ही हैड रेड बिटवीन द लाइन्स, रेड बिटवीन द लाइन्स जो है वो इस का अंदाज़ा लगा चुके थे. ये बात जो है वो किसी तरह से टू रेड बिटवीन द लाइन्स मीन्स टू गेट अ क्लोज व्यू ऑफ समथिंग. रेड बिटवीन द लाइन्स टू गेट अ क्लोज व्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को करीब से देखना, गौर से देखना, करीब से पढ़ना, उसको गौर से पढ़ना, इसको फिर क्या कहते हैं, रेड बिटवीन द लाइन्स. जो छुपा हुआ मतलब होता है उसको निकालना, इस idiom को इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं. सो ही हैड रेड बिटवीन द लाइन्स दैट द होली प्रॉफिट वुड सून बी लीविंग दिस वर्ल्ड आफ्टर accomplishing. Accomplishing means completing his mission. Mission kya tha? Delivering Allah's message to humanity. To isliye wo rone lage. Wo ye baat jaan chuke the ki aap sallam jo hai ho sakta hai ki hamare darmiyan na rahe. तो ये जो एक्सटेंडिंग इंटरप्रेटिंग क्वेश्चन है, लेसन को समझने के लिए ज़रूरी है. पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट इज दो स्टडी क्वेश्चंस, लेकिन इनको समझना ज़रूरी है. देर इज़ ओनली वन क्लास अबाउट वर्शिपिंग अल्लाह. सिर्फ एक जगह पर हमने पढ़ा कि अल्लाह की इबादत करना, बाकी वहाँ पर हमने जो भी पढ़ा वो क्या पढ़ा, मैन एंड वमेन के राइट्स के बारे में, कैसे ज़िंदगी सोसाइटी में गुजारनी चाहिए, क्या जिम्मेदारियां हैं एक दूसरे के साथ रहते हुए. वाई इज़ देयर मोर एम्फेसिस ऑन मैन एंड सोसाइटी, इस चीज़ को इतनी ज़्यादा, यानी मैन जो है हिज लिविंग इन द सोसाइटी, हिज लाइफ इन द सोसाइटी, इस चीज़ को इतना कितना क्यों एम्फेसाइज किया गया है, इसको इतनी क्यों अहमियत दी गई है. अल्लाह की वर्शिपिंग जो है उसको इतनी अहमियत नहीं दी गई है. सो इसको भी सुने. इस्लाम मीन्स, हमारे सामने इस्लाम मीन्स पीस एंड टोटल सबमिशन टू अल्लाह विल. विल मैं कह रहा हूँ डब्ल्यू आई डबल एल, अल्लाह की मर्जी के सामने सर झुकाने को हम क्या कहते हैं, हम इसको इस्लाम कहते हैं. इस्लाम मीन्स पीस एंड टोटल सबमिशन. क्या है, टोटल सबमिशन है टू अल्लाह विल. इट गिव्स इट्स फॉलोअर्स अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ. और यहाँ पर क्या मौजूद है, एक ज़ाब्ता हयात जो है मौजूद है इन लोगों के लिए जो इसके फॉलोअर है. नॉट ओनली डज इट डिमांड मुस्लिम्स टू वर्शिप अल्लाह, बट इट ऑल्सो रिक्वायर्स देम टू टेक केयर ऑफ द राइट्स ऑफ ईच एंड एवरी मेम्बर ऑफ द सोसाइटी. इस्लाम जो है सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या करें, अल्लाह की इबादत करें, बल्कि इस्लाम ये भी है कि आपके साथ जो लोग रह रहे हैं आपने उनका भी ख्याल रखना है. जिस तरह कि आप अपना ख्याल रखते हैं उसी तरह आप क्या करेंगे, दूसरों का भी ख्याल रखेंगे. तो एक सच्चे मुसलमान की जो करेक्टरिस्टिक है, फीचर है, वो यही है कि जो अपने लिए पसंद करता है वो दूसरों के लिए भी पसंद करता है. तो यहाँ पर इस्लाम जो है, मैं रिपीट करता हूँ, इट गिव्स इट फॉलोअर्स अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ. नॉट ओनली डज इट डिमांड मुस्लिम्स टू वर्शिप अल्लाह, सिर्फ अल्लाह की इबादत नहीं है, बट ऑल्सो रिक्वायर्स देम टू टेक केयर ऑफ द राइट्स ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी. इफ दे डू नॉट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन विद रिगार्ड टू वन एन अदर, अगर एक दूसरे के साथ ये जिम्मेदारी नहीं निभाते, देयर विल बी नो पीस इन द सोसाइटी एंड दे विल नॉट be good Muslims, no matter how good they may be at worshipping Allah. तो worshipping Allah पर इसलिए emphasize नहीं किया गया कि सिर्फ ये नहीं है कि आप अल्लाह की इबादत करें, बल्कि लोगों के साथ अच्छा रवैया जो है वो भी इंतहाई ज़रूरी है. तो ये इसका आंसर बनता है. और अगर ओरल एक्टिविटी, इसी का जो क्वेश्चन नंबर 10 है,
What do the religious scholar of today emphasize most often upon? What has it resulted in? What do the religious scholars, जो मजहबी मजहब से तल्लक रखने वाले लोग हैं, scholars हैं, मुफक्किरीन हैं, वो क्यों इस बात पर सबसे ज़्यादा वो जोर देते हैं? What has it resulted in, और इसका क्या नतीजा निकला है? अगर हम इसको देखें, religious scholars जो मजहब से ताल्लक रखने वाले, यानी मौलवी है, मुफ्ती है, या कोई मजहब का जो स्कॉलर है, वो क्यों एम्फेसाइज करते हैं इन चीज़ों पर, किन चीज़ों पर वो एम्फेसाइज करते हैं? व्हाट हैज इट रिजल्टेड इन, और इसका नतीजा क्या निकला है? सो मोस्ट ऑफ टुडेज रिलीजियस स्कॉलर्स जो है, मोस्ट ऑफ टुडेज रिलीजियस स्कॉलर्स, आजकल के जो रिलीजियस स्कॉलर्स है, दे एम्फेसाइज अपॉन फॉलोइंग अ फ्यू रिचुअल्स, कुछ रसूमात जो है उन पर, उनको फॉलो करने की, वो बार बार हम सुनते हैं कि इनको फॉलो किया जाए। रिचुअल मीन्स रसूमात, जो मजहबी रसूमात है उनको एम्फेसाइज करते हैं कि इनको फॉलो करें। दे डू नॉट टॉक अबाउट पीपल्स राइट्स एंड देयर ऑब्लिगेशंस टू अदर्स, बहुत कम हम सुनते हैं कि एक दूसरे के साथ क्या जिम्मेदारियां हैं हमारी। तो दे डू नॉट टॉक अबाउट पीपल्स राइट्स एंड देयर ऑब्लिगेशन टू अदर्स, उनकी हुकूक की बहुत कम बात होती है, और क्या जिम्मेदारियां हैं एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारते वक्त। एज अ रिजल्ट नतीजा क्या निकला है? मोस्ट मुस्लिम्स थिंक दैट इट इज इनफ फॉर देम टू प्रे फास्ट, ये रिचुअल्स है, टू प्रे फास्ट, डोनेट एंड परफॉर्म हज, बस वो इस बात पर मुतमैन है कि चूँकि बाकी चीज़ों की बातें नहीं होती, हुकूक की बातें नहीं होती, कुछ जिम्मेदारियां जो सोसाइटी में रहते हुए निभाते हैं उनकी बातें नहीं होती, तो ये काफ़ी है टू प्रे, टू फास्ट, टू डोनेट एंड परफॉर्म हज। दे आर नॉट वेरी केयरफुल अबाउट देयर ऑब्लिगेशंस टू देयर फेलो बीइंग्स, फेलो बीइंग्स जो इनके साथ रहने वाले लोग हैं। परहैप्स दैट इज़ वाई वी सी इनजस्टिस, अगर आप देखें हमारी सोसाइटी में इनजस्टिस है, करप्शन है, सेक्टेरियनिज्म है, बेगरी है, और अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस है, एंड अदर सच सोशल इवल्स इन द सोसाइटी जो हम देखते हैं, शायद इसी वजह से हैं कि इन चीज़ों को बहुत कम डिस्कस करते हैं, और ज़्यादातर इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, दैट वी शुड फास्ट, वी शुड प्रे, वी शुड डोनेट, वी शुड परफॉर्म हज, बट वी डू नॉट गिव एनी इम्पोर्टेंस टू such topics is there is injustice, there is corruption, there is sectarianism, there is bigotry, there is unfair business practices and other evils in the society. Umeed hai ki aap video se mustafeed honge, aur note isko kare, aur jo answers tumhare honge wo aap share karenge WhatsApp group mein, unko hum dekhne ke baad क्रेडिट भी आपको देंगे कि किसने अच्छे लिखे हैं, किसने अच्छे नहीं लिखे हैं। थैंक यू वेरी मच।